बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस क्लिप में मैं केबल टेस्टिंग के मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूँ, और उसमें ये हाइपो टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसको हाई वोल्टेज टेस्ट भी हम कहते हैं। और उस हवाले से चूंकि केबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरा के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी इस वक्त यूटिलिटी में इसके जो ग्राउंड के केबल हैं बहुत बुरी हालत में है, उनको बड़ा इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए जो है ना बहुत सारे ब्रेकडाउन बहुत सारे होते हैं। तो इस हवाले से इसमें दो कोड है जिसमें 60502-1/2, मतलब एक 1 लो वोल्टेज के केबल के लिए और 2 हाई वोल्टेज के केबल के लिए। इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा है XLPE केबल वगैरह के लिए, ये IEEE 400-2। ये कुछ जो कोड्स हैं इस हवाले से मैं कुछ बात करूँ, और मैं सिर्फ हाइपो टेस्ट की बात करूँगा, जिसको हाई वोल्टेज टेस्ट की बात करते हैं कि हम उसकी कंटिन्यूशन में जा रहे हैं। जारी बात है, चाहे आप नए केबल खरीदें चाहे पुराने केबल हैं, तो उसकी टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बाद ये हाइपो टेस्ट होता है, और उसमें क्या लिमिटेशंस वैल्यूज हैं वो मैं आपको, ताकि केबल की रिलायबिलिटी बढ़ जाए। इस तरह एक स्लाइड में आपको दिखा रहा जो IEEE 60502-1/2 में ये डिफरेंट टेस्ट हैं, IR टेस्ट हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट हैं, हीट शॉक टेस्ट है, हॉट सेट टेस्ट है, लॉस ऑफ मास है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, हार्डनेस ऑफ HEPR इंसुलेशन। ये तो जब आप नया केबल खरीदते हैं तो केबल वाले आपको ऑफर करते हैं कि इसकी विटनेस करके ये हम टेस्ट करेंगे एज पर IEEE स्टैंडर्ड एंड कोड्स। अब मैं जब हाई वोल्टेज की बात करता हूं तो IEEE 400 ने एक बड़ा एक न्यू कंसेप्ट दिया है जिसमें VLF टेस्ट है। मैं इसमें 5 टेस्ट हैं वो आपके सामने आपके रख रहे हैं। एक तो आप DC मेजरिंग करेंगे, और DC मेजरिंग में तो आप फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, अगर 11 kV वोल्टेज है तो फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज वो तकरीबन है 48 kV के करीब बनती है, तो वो आप पोटेंशियल देंगे और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, और उसको 15 मिनट तक देंगे। स्विच गियर में आप 60 सेकंड या 1 मिनट का पोटेंशियल देते थे, इसमें आप 15 मिनट तक देंगे DC वोल्टेज मेजरिंग करनी है, तो मिनिमम आप उसमें 15 मिनट है, उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे और उसके बाद ये DC मेजर करने है। और इसके जो टेस्ट है मेजरिंग DC वोल्टेज टेस्ट, अगर AC वोल्टेज टेस्ट में मेजरिंग करें तो आप उसमें पहले जो है ना फेस टू फेस वोल्टेज का 5 मिनट तक पोटेंशियल देंगे, मतलब फेस टू फेस अगर 11 kV है तो उसको 5 मिनट तक वो उसको पोटेंशियल देंगे, और या फिर ये है कि आप उसको 24 आवर्स के लिए नॉर्मल वोल्टेज पर रख देंगे। उसके बाद ये है कि फॉर रेजिस्टर्स अर्थ और केबल अर्थ के लिए इसी तरह वोल्टेज डिफरेंट पोटेंशियल, जिसमें चार्ट में भी आपको दिया होगा, वहां पे चार्ट में भी आपको मिल जाएगा जाए। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जनरली जब केबल पुराने हो जाते हैं तो नॉन होमोजेनियस उसकी इंसुलेशन हो जाती है, तो उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस है कि DC मैगरिंग ना किया जाए, इसी तरह PVC या XLPE पे DC मैगरिंग ना किया जाए। तो इसमें फिर ये है कि AC मैगरिंग की जाती है, और जिसको VLF टेस्ट कहते हैं, जो 400 IEEE 400 में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है और स्लाइड्स भी आपके सामने आ जाएंगी, तो उसमें ये है कि 0.1 Hz की फ्रीक्वेंसी रखी जाती है, 0.1 Hz की फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी लो इसलिए रखते हैं, ये केबल आपके सामने आ गया, ये IEEE 400-200, और ये कॉशनरी नोट रिगार्डिंग द DC आईपॉड टेस्ट, वो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। XLPE केबल को तो VLF टेस्ट ही करना चाहिए। मुझे अभी तक पाकिस्तान में मैंने बहुत कोशिश की है कि VLF टेस्ट कौन करता है, किसी के पास ये इक्विपमेंट है या नहीं। इसकी एक बेसिक वजह यह है कि VLF टेस्ट इसलिए भी AC बैगरिंग में आप इसलिए जाते हैं कि अगर नॉर्मल 50 Hz की फ्रिक्वेंसी का हाइपो टेस्ट देंगे तो पावर सप्लाई का इक्विपमेंट का साइज बहुत बढ़ जाएगा, तो 0.1 Hz की अगर आप फ्रिक्वेंसी देंगे तो उसका साइज बहुत कम हो जाएगा। और उसके बाद ये कि इसलिए आपको DC मेजरिंग मना इसलिए करते हैं कि इसमें वाटर ट्रीज और वॉइड्स बन जाते हैं, अगर नॉन होमोजेनियस PVC इंसुलेशन हो तो उसको जब आप फिर सर्विस में लेते हैं तो वो बस्ट हो जाते हैं। बहुत जारी बात है, आपकी मैगर रीडिंग बिल्कुल सही आ रही होगी, लेकिन आप सर्विस में लेंगे तो उसके बाद कुछ अर्से के बाद उसमें वो रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, केबल बस्ट हो जाता है। तो इस हवाले से इसमें जो IEEE 400 में 3 गाइड ली दिए, जिसमें इंस्टॉलेशन टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट और मेंटेनेंस टेस्ट। इसकी अगर कोई डिटेल चाहिए तो मैं आपको बाद में, इतना मैं इसको लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहता। और इसकी ड्यूरेशन जो है ना 15-60 मिनट्स तक हो सकती है, और एटलीस्ट 30 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। ये एक फिगर है जो VLF टेस्ट की आपके सामने मैंने रखी है, VLF टेस्ट के लिए उसका जो कूपन है उसका साइज बहुत कम होता है। इस हवाले से अगर आपने जब भी केबल के पुराने केबलों की टेस्टिंग, अब
पाकिस्तान में ये ट्रेंड होना चाहिए कि जो नई कंप्लायंस ऑफ द कोड है वीएलएफ टेस्ट को प्रमोट किया जाए, और एक्सएलपी केबिन का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है तो इसमें डीसी हाइपर टेस्ट को तो बहुत अवॉइड करना चाहिए। शुक्रिया।